नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बजट 2022-23 1 फरवरी को संसद में पेश किया जा चुका है वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बजट वाला टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, बजट 2022-23 से रिलेटेड दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि 2022-23 के बजट में दोस्तों क्या कुछ बातें कही गई हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कब पेश किया गया है। 1 फरवरी को पेश किया गया है केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया है। तो किसने पेश किया है दोस्तों, वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। तो किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है बजट 2022, तो वर्ष 2022-23 के लिए दोस्तों पेश हुआ है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 2022-23 के लिए। नेक्स्ट है, देखिए, संसद में कितने बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। तो अब तक दोस्तों 2 बार संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। पहली बार 2021 में पेश किया गया था, फिर अब 2022 में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों किसी भी अनुच्छेद में नहीं है बजट शब्द का प्रयोग संविधान में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद दोस्तों 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों प्रयोग हुआ है बजट शब्द की जगह पर, ठीक है, संविधान में, ठीक है, हिंदी में कह देते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। संविधान में दोस्तों बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो सी रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो निर्मला सीतारमण जी बनी है हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी थी हमारे देश की पहली वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, इंदिरा गांधी। देखिएगा बजट में दोस्तों क्या होता है, बजट में क्या होता है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो निर्मला सीतारमण बनी है दोस्तों, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। दोस्तों अब तक 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने और इंदिरा गांधी जी ने। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो दोस्तों आर के शणमुगम चेट्टी ने पेश किया था,
स्वतंत्र भारत का पहला बजट? तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर के षणमुखम चेट्टी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? दोस्तों अगर आपने अभी तक ना सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला होता है बजट शब्द का अर्थ। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चमड़े का थैला। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा से हुई है बजट शब्द की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, फ्रेंच। नेक्स्ट है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को, जेम्स विल्सन को कहा जाता है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जेम्स विल्सन। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत में दोस्तों पहला बजट पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 में। ठीक है, 18 फरवरी 1860 में दोस्तों भारत में पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने दोस्तों याद रखिएगा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का दोस्तों पहला बजट पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 को, 28 फरवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? दोस्तों मोरारजी देसाई के पास है, कुल 10 बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम दोस्तों बजट 2022-23 के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि 2022-23 के बजट के बारे में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या कुछ बातें कही गई हैं। दोस्तों डिजिटल करेंसी के बारे में क्या बताया गया है? तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। ठीक है, इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रूपी यानी डिजिटल रुपया कहा है। आगे देखिए, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी के बारे में क्या कहा है बजट 2022-23 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा? देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाले आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। आगे देखिए क्या है, आगे क्या कहा है, देखिए 60 लाख नई नौकरियों के बारे में क्या बताया गया है बजट 2022-23 में? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है, इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। ठीक है, आगे है विकास दर के बारे में दोस्तों क्या कहा गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2022-23 में? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। आगे देखिए आयकर के बारे में क्या बताया है बजट 2022-23 में? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोस्तों बजट 2022 में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है। इस बजट में न तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत मिली है और न ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। आगे देखिए 5G स्पेक्ट्रम के बारे में दोस्तों क्या कहा है? देखिए वित्त मंत्री ने कहा है कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा 2023 में शुरू होगी,
साथ ही यह भी ऐलान किया है कि 2025 तक देश के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा। 2025 तक देश के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा, ये 5G स्पेक्ट्रम में कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। आगे देखिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। तो रक्षा क्षेत्र में दोस्तों क्या कुछ बताया है, वित्त मंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा, यानी इस पैसे से देश की ही रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे। ठीक है, बजट 2022-23 में बताया गया है। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना में दोस्तों क्या बताया है, देखिए पीएम आवास योजना में दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। आगे देखिए डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों क्या कहा है कि वित्त मंत्री ने कहा है, देखिए देश में एक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब ए स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये वित्त मंत्री ने दोस्तों कहा है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉरपोरेट टैक्स में कमी। कॉरपोरेट टैक्स में कमी के बारे में क्या बताया, देखिए कॉरपोरेट टैक्स 18% से घटाकर दोस्तों 15% किया गया है। ठीक है, और कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया है कॉरपोरेट टैक्स में। ठीक है ना, 2022-23 में दोस्तों कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई है। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र में, देखिए दोस्तों क्या बताया है, शिक्षा क्षेत्र में दोस्तों पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। आगे है कि राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके। आगे देखिए क्या कहा, LTCG टैक्स के बारे में क्या कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ के बीच है उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% किया गया है। ठीक है, और किसी भी दोस्तों LTCG टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा, ये कहा है LTCG टैक्स में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में। आगे देखिए नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में दोस्तों क्या बताया है, NPS के बारे में। नेशनल पेंशन स्कीम में राज्य कर्मचारियों के दोस्तों NPS नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जा रही है 2022-23 के बजट में। देखिए बजट के दौरान विकास के 4 पिलर के दोस्तों बारे में बताया है वित्त मंत्री ने। बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं, इसमें 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना है, हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना, 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना शामिल है। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में क्या बताया है, कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई है। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। राजकोषीय घाटा के बारे में क्या बताया है, वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9%, 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, देखिए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष दोस्तों मनाने का ऐलान किया है। तो क्या है, देखिए क्या बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MSP गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। ठीक है, केंद्रीय बजट पेश करते हुए
2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, वहीं देखिए रेलवे और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में क्या बताया है। गतिशक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। वहीं इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। आगे क्या बताया, देखिए स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों बजट 2022-23 में कहा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। देखिए पूर्वोत्तर के विकास के बारे में क्या बताया है वित्त मंत्री ने। इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आगे देखिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में क्या बताया है। तो देखिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में एसेट से आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। तरासे और पॉलिश हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना पीएम विकास पहल। नई योजना कौन सी है पूर्वोत्तर के विकास के लिए? पीएम विकास पहल। ठीक है, देखिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों की रेटिंग के लिए 6000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब बातें 2022-23 के बजट में कही गई हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएगा, शेयर भी जरूर करना। देखिए कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।